हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जहां एक तरफ सरकार और जनता के बीच कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को नए तरीके से इस कानून का विरोध करने की बात भी कही जा रही है। मगर ऐसी बातें करने वाला है कौन? बंगाल में है ममता की रार, विरोध में है यूपी और बिहार। ऐसे में आई पीके की सलाह, कांग्रेस भी पकड़े यही राह। सीएए और एनआरसी पर देश भर में 3 दिनों से बवाल मचा हुआ है। लोगों का प्रदर्शन रह रहकर हिंसक हो जाता है। कहीं लोग समझना नहीं चाहते तो कहीं सरकार समझाने में चूक जाती है, मगर इसका फायदा उठाने में विपक्ष पीछे नहीं रह रहा। खासकर क्षेत्रीय पार्टियों ने इस पर जमकर बवाल किया। यही नहीं, इस बवाल की आड़ में उन्होंने अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी है, जिसका पूरा फायदा हो सकता है आने वाले चुनावों में उन्हें देखने को मिले। मगर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार और पीके ने कांग्रेस से भी हाथ पैर हिलाने की बात कही है। प्रशांत किशोर कांग्रेस से इस बात पर खफा हैं कि कांग्रेस विरोध के नाम पर जरा सा भी जोर नहीं लगा रही। उन्होंने माना है कि कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी को काफी हल्के में लिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब जमीन पे उतरना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कह देना कि हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है, ये काफी नहीं होगा। इसके विरोध में सचमुच कांग्रेस को उतरना ही पड़ेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सही भी है कि कांग्रेस इस कानून को लेकर थोड़ी सी बैकफुट पर है। दिल्ली से लेकर यूपी तक और फिर बिहार से लेकर पंजाब तक जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हुए, वहाँ वहाँ कांग्रेस विरोध के मूड में तो नजर आई, मगर हर समय पीछे हटती रही। यही नहीं, पार्टी के सीएम जिन राज्यों में हैं, वहाँ से पार्टी ने इस कानून के विरोध में कुछ नहीं बोला। पार्टी के कार्यकर्ता भी न यूपी, न बिहार और न ही बंगाल में किसी तरह का विरोध करते नजर आए हैं। अगर जमीनी स्तर पर कोई आंदोलन करता नजर भी आया है तो वो है प्रियंका गांधी, जिन्होंने जामिया प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया, मगर यूपी में वो कहीं भी धरना नहीं देती दिखाई दी। खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी दक्षिण कोरिया में राजनेताओं से मुलाकात करते दिखाई दे रहे थे। देश के कई बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। मगर इन तीनों ही राज्यों से या फिर जहां जहां कांग्रेस है, सिर्फ इतना ही सुनने को मिला कि एनआरसी लागू नहीं होगी। मगर इन प्रदेशों के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह का कोई मार्च नहीं निकाला। यही नहीं, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों में तो कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी है, मगर पार्टी के ये नेता कहीं भी सड़कों पर उतरते नहीं दिखे। जबकि इन्हीं राज्यों में कुछ नेता पार्टी को अपनी ताकत दिखाने के लिए रैलियां और आंदोलन कर देते थे। पीके की बातों और कांग्रेस की सुस्ती को देखते हुए ये बात तो साफ है कि पार्टी आधे अधूरे मन से इस पूरे प्रदर्शन को कर रही है। मगर राजनीति का इशारा कुछ और भी कहता है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी की किसी कमजोरी का फायदा बीजेपी उठा रही है। 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर सत्ता की कुर्सी से उसे गिरा दिया था। यही नहीं, पी चिदम्बरम के जेल जाने से बाहर आने तक कांग्रेस पर काफी असर पड़ा है और पार्टी विरोध के नाम पर सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह गई है। देश की क्षेत्रीय पार्टियों ने इस कानून का विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर देश की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ने इस पर कोई मार्च या फिर कोई प्रदर्शन किया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि फिलहाल कांग्रेस इसमें बंटने वाले वोट पर अपनी नजर नहीं रख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एहसास है कि यूपी, बिहार और बंगाल में पार्टी वैसे भी तीसरे या चौथे पायदान पर है और उसके आंदोलन से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी अच्छा है कि दो दलों की लड़ाई में कुछ फायदा पार्टी का ही हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में पार्टी को इसी तरह की लड़ाई से काफी फायदा हुआ था, भले ही वो दोनों जगहों पर बड़ी पार्टी न बन सकी। यानी इस शांति का मतलब या तो कांग्रेस डरी हुई है या फिर वो सचमुच दो बिल्लियों की लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।